अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम महफूज खान एंड यू आर वाचिंग महफूज टेक्निकल ट्यूब। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी पहुंच सके। आज आप लोगों के लिए फ्यूचर इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस की क्लास लेके आया हूं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट के नेगेटिव किस तरीके से बनाते हैं। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। नेगेटिव इन फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट के नेगेटिव क्या होते हैं ये तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखा देता हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को कमेंट्स करें, मुझे भी जो है लाइक कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूं। हाउ टू मेक फ्यूचर इंडेफिनेट, आज आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनेट की नेगेटिव की क्लास समझाने जा रहा हूं। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ सके। फ्यूचर इंडेफिनेट की इससे पहले आपको सिंपल की क्लास में दे चुका हूँ। फ्यूचर इंडेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरीके से बनाए जाते हैं ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में समझाऊंगा, सिखाऊंगा आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी जो क्लासेस होती हैं ये समझ में आ रही होंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को काफ़ी टेंसेस जो सिखा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, और अब जो है हम फ्यूचर इंडेफिनेट के ऊपर हैं तो फ्यूचर इंडेफिनेट आप लोगों को सिखा रहा हूँ। इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनेट की सिंपल क्लास और इंटरोगेटिव क्लास आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। अभी देखिए फार्मूला ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट नेगेटिव, नेगेटिव का जो फार्मूला है फ्यूचर इंडेफिनेट का वो क्या है, अब ये फार्मूला देख लें। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन जुमलों में सिर्फ नॉट का इजाफा होता है, बाकी फार्मूला जो है फ्यूचर का वो इंडेफिनेट का, फ्यूचर इंडेफिनेट का जो सिंपल फार्मूला है वही होता है, इसमें सिर्फ नॉट प्लस किया गया है। तो मैं आप लोगों को सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। आए सेंटेंस बनाकर समझ लेते हैं किस तरीके से जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट के। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल फ्यूचर की तरह ही है ये, बस आप लोगों को इसको समझना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों को जो है ये फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव समझ में आ सके। तो मेरी क्लासेस को जो है कम्प्लीट देखा करें ताकि आप लोगों को जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता हूँ, समझा रहा होता हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ सके, ताकि आप लोग खुद भी सेंटेंसेस बना सकें और इनको इंग्लिश में स्पीक कर सकें। स्पीकिंग ज़रूर किया करें, जो सेंटेंस बनाएं जो मैं आप लोगों को बना के दिखाता हूँ उनको ज़रूर बोला करें। तो ये देखें, मैं आपको पहला सेंटेंस बनाया है यहाँ पे, आई विल नॉट टॉलरेट यू या आई विल नॉट टॉलरेट दिस, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा या मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप यू लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट की जगह पर। अच्छा, यू विल नॉट ड्रिंक इट, तुम ये नहीं पियोगे, यानी कोई भी चीज़ होती है कि यार तुमने ये नहीं पीनी है तो तुम ये नहीं पियोगे। यू विल नॉट ड्रिंक इट, आप ड्रिंक की जगह ये वर्ब है, आप कुछ भी यहाँ वर्ब लगा सकते हैं जो सूटेबल हो। अच्छा, ही विल नॉट रन फास्टर देन यू, वो तुमसे तेज नहीं भागेगा। अच्छा देखें, यहाँ पे जो मैंने लगा है फास्टर देन यू, तो ये भी एक पूरी सी क्लास दूंगा आप लोगों को। ये असल में एडजेक्टिव्स होते हैं, फास्टर जो है फास्ट वर्ब होगा लेकिन फास्टर जो है एडजेक्टिव होगा। देन यू ये वगैरह जो है किस तरीके से ये तमाम यूज़ होंगे ये भी आप लोगों को मैं आगे क्लासेस में समझाऊंगा। अभी जो है आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव समझा रहा हूँ और इससे कुछ और मज़ीद सेंटेंसेस बनाए मैंने आप लोगों के लिए, ये भी पढ़ के सुना देता हूँ। शी विल नॉट लुक वेल विद ड्रेस, विद दिस ड्रेस, वो इस सूट के साथ अच्छी नहीं लेगी या वो ये सूट पहन कर जो है अच्छी नहीं लेगी। दे विल नॉट लिसन टू यू, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे या वो तुम्हें नहीं सुनेंगे, जैसे लोग कहते हैं यार वो तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, तो दे विल नॉट लिसन टू यू। अच्छा, इसके बाद अगला सेंटेंस देख लें, वी विल नॉट गो टू पार्क, हम पार्क नहीं जाएंगे, या वी विल नॉट गो टू पिकनिक, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आसानी के साथ। अच्छा, नोकिया विल नॉट मेक बैड क्वालिटी मोबाइल, नोकिया जो है ख़राब क्वालिटी के मोबाइल नहीं बनाएगा, ये फ्यूचर का टेंस है, जिसमें गा घी गे आ रहा होता है वो फ्यूचर का टेंस होता है, और जिसमें नहीं आ रहा होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और जिसमें क्या आ रहा हो यानी क्वेश्चन आ रहा होगा तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव आप लोगों को पहले समझा चुका हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोज़ बहुत पसंद आती होंगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।